हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, इस वाली वीडियो में एक स्ट्रेटजी दिखाऊंगा आपको, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। टाउन हॉल 10v10 थ्री स्टार कर सकते हैं आप अच्छे खासे बेसिस को। एंड गाइस, स्ट्रेटजी कौन से बेसिस पर एप्लीकेबल है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जरूर अटैक देखिएगा, दो अटैक्स में दिखाऊंगा थ्री स्टार अटैक्स। एंड गाइज, अगर आपको इस वाले अटैक का टाउन हॉल 9 का वर्जन देखना है तो जरूर मेरे को बताना कमेंट्स में। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे एंड वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं जरूर टाउन हॉल 9 का वर्जन बनाऊंगा। और ये वाली स्ट्रेटजी गाइज कैसे बेसिस पे काम करिए ये मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगा और अटैक्स भी आपको दिखाऊंगा, दो थ्री स्टार अटैक्स। चलिए जंप करते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला बेस, काफी अच्छा बेस है, देख सकते हैं टाउन हॉल 11 है, पर इसके पास ईगल नहीं है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ईगल अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो लास्ट एक्सबो मिलता है फोर्थ नंबर एक्सबो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी सबका सब कुछ टाउन हॉल 10 के अकॉर्डिंग है, सारे विजर्ड टावर्स, आर्चर टावर्स वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छे से इसके पास अपग्रेडेड है। वॉल्स भी ठीक है, क्वीन यहाँ पे देख सकते हैं 22 लेवल की है, ग्रैंड वार्डन वगैरह सब कुछ है। तो टाउन हॉल 10 के अटैक्स हैं, पर ये वाला बेस टाउन हॉल 10 का ही डिफेंस है इसमें। तो गाइज, आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी कैसे यूज करना है और कैसे आपको कौन बेसिस चूज करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी कंपोजिशन देखिए क्या है हमारे पास। हमारे पास 6 पेक्का है, क्रेजी, बिल्कुल ही क्रेजी 6 पेक्का है, 6 हमारे पास विजर्ड्स हैं, 4 बेबी ड्रैगन है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ बोलर्स लेके आया हूं, पर यूजुअली आपके सीसी के बोलर्स अगर रहते हैं तो उन्हीं में से काम बन जाता है। आप सीसी में बोलर्स ला भी आपके 4 एडिशनल बोलर्स आप यूज कर सकते हैं या फिर 7 पेक्का के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पहले करना क्या है, पहले आपको बस आपको पता है क्या करना है, फनल क्रिएट करना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड फनल क्रिएट करना है, जिस साइड से भी आप अटैक करें एंड आपको सारे के सारे पेक्का ड्रॉप करना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अटैक देखिए आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इस बेस में मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मली एक साइड दोनों साइड से बेबी ड्रैगन से मैं फनल क्रिएट करूंगा और उसके बाद पेक्का ड्रॉप करेंगे, आपको अभी पता चल जाएगा गाइस। और प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हेल्प होती है, स्ट्रेटजीज पसंद आती है, तो लाइक करना मत भूलना गाइस, फ्री है, लाइक करना, कंजूसी मत कीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए ना अगर आपको पसंद आए तो। एंड गाइस, जैसे कि मैंने बताया, अगर टाउन हॉल 9 का वर्जन चाहिए प्लीज कमेंट्स में बताना मेरे को, और अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे टाउन हॉल 9 के लिए तो मैं जरूर टाउन हॉल 9 के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं, अभी पेक्का एंट्री लेगा अंदर और उसी के साथ किंग क्वीन, तो आपको कोई वॉल ब्रेकर यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको जंप स्पेल यूज करने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे पेक्का एक साथ कोई भी लेवल के वॉल एक ही अटैक में तोड़ सकते हैं, मतलब एक ही वार में उसे काट सकते हैं। तो यहां पे सारे बोलर्स अंदर चले गए, हीरोज अंदर चले गए, तो अभी सिचुएशन जो है वो काफी अच्छी सिचुएशन है। अब आपको करना क्या है, आपको रेज यूज करना है, और जब आपका आपके ट्रूप्स जो है उनका हेल्थ जब कम होने लगे तब आपको हील यूज करना है। देख सकते हैं यहां पे एक रेज एक हील यूज कर लिया मैंने, मेरे पेक्का सारे कोर में है और बस आपको तबाही मचानी है कोर में जाकर, पेक्का रेज के अंदर, बोलर्स रेज के अंदर, आपको पता है क्या कर सकते हैं। एक चीज और गाइज, ये अटैक उस बेसिस पे ज्यादा सक्सेसफुल है जहां पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो हो, सिंगल एक हो तो चलेगा, अगर दोनों सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पेक्का को डैमेज करेगा। और यहां पे हमारे मल्टी टारगेट इन्फर्नो क्या, इतने सारे पेक्का को एक साथ अगर अटैक भी करते हैं आप हील कर सकते हो, पर सिंगल टारगेट इन्फर्नो में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज इस पोजीशन में आप देख सकते हैं, एक पेक्का लेफ्ट में है, दो पेक्का शायद से राइट में है, एक पेक्का मिडिल में है और क्वीन हमारी बची हुई है, क्वीन की हेल्थ अभी भी ठीक ठाक है, मैंने एबिलिटी यूज कर ली है, किंग हमारा बचा हुआ है अभी भी शायद से मेरे को दिख नहीं रहा किंग का है, शायद से डाउन हो गया है, पर कोई बात नहीं गाइज, अभी भी अच्छे खासे ट्रूप्स बचे हुए हैं। एक बेबी ड्रैगन बचा हुआ था जो कि मैंने लास्ट में सपोर्टिंगली उसे यूज किया, यहाँ पे देख सकते हैं दो पेक्का, एक ऑलमोस्ट मरने वाला है पर फिर भी अभी भी बचा हुआ है ये बस। तो गाइस देख सकते हैं कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, टाउन हॉल 10 मैक्स 11 था वैसे, पर उसके ट्रूप्स सॉरी डिफेंस जो थे वो टाउन हॉल 10 मैक्स के अकॉर्डिंग थे, पर इसको हमने आराम से और इतना टाइम रहते हमने इसे इजीली 3 स्टार कर दिया। तो गाइस बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप जरूर यूज करना, वॉर में भी यूज कर सकते हैं, सीसी का डर कोई नहीं है, डबल पॉइजन मैं बार बार बोलता हूं, डबल पॉइजन के अंडर कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके विजर्ड्स हैं बैकअप करने के लिए, आपके पास क्वीन है जो कि सीसी का ख्याल रखेगी, आपको डबल पॉइजन करना है बस, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक और अटैक दिखाता हूं जो कि प्योरली 10v10 अटैक था। तो ये रहा फ्रेंड सेकंड बेस, इस बेस में थोड़ी कमी है मेरे को पता है, यहाँ पे देख सकते हैं दो एक आर्चर टावर जो है वो थोड़े लो लेवल के हैं, यहाँ पे एक आर्चर टावर रह गया, यहाँ पे एक आर्चर टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर फिर भी ओवरऑल अगर बात करूँ तो डिफेंसेस ठीक ठाक लेवल के हैं और इन्फर्नो दोनों हैं कोर में है जो कि 3-3 लेवल के हैं, एक्सबोज तीनों हैं जो कि 4-4 लेवल के हैं, तो डिसेंट बेस था, इतना बुरा बेस नहीं था, वॉल्स पे इसने काम नहीं किया तो ये एक प्रॉब्लम थी इसकी। पर अब देखते हैं इस बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने जल्दी से इस बेस को हम 3 स्टार कर सकते हैं और डोमिनेंट अटैक गाइस, बिल्कुल ही
डोमिनेंट अटैक करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देख सकते हैं दो बेबी ड्रैगन्स जैसे कि नॉर्मली फनल क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करेंगे, और आपके पास फोर हैं तो अगर आप चाहें तो एक बेबी ड्रैगन या फिर चारों के चारों भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका फनल प्रॉपर ना बना हो, क्योंकि फनल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप अच्छे से फनल एस्टेब्लिश करें, आपके पिकअप बाहर नहीं जाने चाहिए, आपको अंदर ही डालने हैं पिकअप, एंड कंपार्टमेंट बेस होने चाहिए ऐसे। अगर रिंग टाइप बेस हो तो पिकअप इधर उधर चले जाएंगे, आपका अटैक जो है बेकार होगा, एकदम बेवकूफ लगेंगे आप। पर कंपार्टमेंट बेस अगर आपको कहीं भी मिले तो ये अटैक से आप बहुत कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले अटैक में था, अब बॉलर्स अंदर जा रहे हैं, किंग क्वीन अंदर जा रहे हैं, तो अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे आप रेस पर यूज करना शुरू कर देंगे उसके बाद आपको पता है यहां पर जायंट बम अर्ली एक्सप्लोज हुआ था, इसलिए मेरे को पहले ही हील करना पड़ा, वरना थोड़ी लेट में हील कर सकते थे हम लोग यहां पर। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं अब मेरे पेका जो है, मेरे बॉलर्स जो है मार्च कर रहे हैं कोर की तरफ और काफी डिस्ट्रक्शन वो लोग कर रहे हैं। यहां पर सीसी से मेरे सीसी में दो बलून्स थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास पॉइजन स्पेल है जो कि बलून का ख्याल रखेंगे। और अभी भी देख सकते हैं कोर में काफी पेका बचे हुए, मेरे पास बोलर्स हैं, सब कुछ है, मेरे पास क्वीन की एबिलिटी पड़ी हुई है। और बेस का क्या हाल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ एक कोर में यहाँ पे कुछ डिफेंसेस, की डिफेंसेस बचे हुए हैं, उसके बाद ये बेस एकदम डिमोलिश, एकदम ही डेमोलिश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। तो गाइज कोर के मेरे बोलर्स ड्राई हो गए हैं, वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बोलर्स का जो सपोर्ट था वो था तब तक कि हमारा कोर जो है वो ना निकल जाए। इस पॉइंट में अगर आपके बोलर्स मर भी जाते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास पिक्का है, आपके पास एक्स्ट्रा विजर्ड्स हैं जो कि आपके पिक्का को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वीन की एबिलिटी पॉप कर दी है क्योंकि यहाँ पे एक कैनन उसे डैमेज कर रहा था। पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक चीज देखिए गाइस, यहाँ पे दो बोलर्स उड़ गए स्प्रिंग से, भाई अच्छी बात है। यहाँ पे एक झुंड है पिक्का का, एक झुंड है, कम से कम चार पांच पिक्का है यहाँ पे, आपके पास तीन विजर्ड है, आप सोच ही सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो गाइस थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूं मैं, क्योंकि अब क्लीनअप प्रोसेस बचा हुआ है, क्योंकि इतने सारे पिक्का को एक कैनन, एक आर्चर टावर या फिर दो तीन आर्चर टावर्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो गाइज एडिशनल जो विजर्ड्स थे हमारे पास उनको मैं यूज़ करूंगा बाद में, यहाँ पे विजर्ड सॉरी आर्चर टावर को डाउन करने के लिए, और बस खत्म। तो गाइज अच्छी स्ट्रेटजी है, होप श्योर आपको जरूर अच्छी लगी होगी। गाइज अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड टाउन हॉल लाइन के अगर चाहिए आपको, टाउन हॉल लाइन में ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और अटैक्स अगर आपको देखने हैं, आपको डेमो देखना है, तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। तो गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहे, एंड एज ऑलवेज गाइस जय हिंद।